मेरे प्यारे दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं गवर्नेंस। ये गवर्नेंस आईएएस और पीसीएस दोनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये प्री में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेंस में भी। साथ ही एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे एक आम अभ्यर्थी, एक कॉमन सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक समझदारी का एक टॉपिक है। ये टॉपिक सामान्यतः आपके आसपास की घटनाओं से घटित है, आपके आसपास होता है, लेकिन चूंकि आप इसको पकड़ नहीं पाते हैं इसलिए आपके सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जनरली इसमें कुल मिलाकर एवरेज 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। आप लोगों को इसका सिलेबस चाहिए हो तो आप मुझे मेरे 707 और 888888 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं सिलेबस की PDF सेंड कर दूंगा। फिर भी यदि आप ऐसे नहीं चाहते हो तो मेरे फेसबुक की आईडी से आप सिलेबस कॉपी कर सकते हैं, वहां मैंने कल अपलोड किया था। नेक्स्ट, टोटल 10 यूनिट हैं और मैं हर दिन एक, मतलब हर एक 2-3 दिन में एक यूनिट कंप्लीट करूंगा। आज इसकी स्टार्ट कर रहा हूं ये दो यूनिट। पहली यूनिट लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा सिक्योरिटी फोर्सेज इन इंडिया। दो अलग अलग यूनिट है लेकिन दोनों को साथ में समझ के चलेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करता हूं यहां से। आपको, आप लोग अपनी कॉपी और पेन के माध्यम से लिख भी सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं, नो डाउट मुझे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे पहले भी मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ, फिर बाद में समझाऊंगा लॉ एंड ऑर्डर क्या है और सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है। इंडिया हो या कोई भी अन्य देश हो, उस देश के लिए सुरक्षा या सिक्योरिटी करना, अपने देश की सुरक्षा करना या सिक्योरिटी, हर देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोई भी देश अपने आप को सिक्योर करेगा ही करेगा निश्चित रूप से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी देश हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेपाल, भूटान वगैरह वगैरह, हर देश अपने आप सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि कोई भी गड़बड़ नहीं चाहेगा। लेकिन ये जो सिक्योरिटी या सुरक्षा होती है ये दो प्रकार की होती है। पहला इंटरनल सिक्योरिटी, हिंदी में आंतरिक सुरक्षा। आप लोगों को एक बात और बता दूं इसे स्टार्ट करने से पहले, मैं इस प्रकार टीच करूंगा, मतलब इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। दूसरी सुरक्षा होती है उसे कहते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बाह्य सुरक्षा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी वो होती है जो भारत की बाउंड्री के बाहर से खतरा पैदा करती है। मान लेता हूं ये जो बोर्ड है ये इंडिया है, तो इस के बाहर से कोई भी खतरा उत्पन्न होता है उसे एक्सटर्नल सिक्योरिटी कहते हैं। और इस बोर्ड के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर अगर कोई खतरा पैदा होता है तो उसे इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं। मतलब बाहर से कोई चैलेंज या चुनौती प्रस्तुत होती है तो वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और अंदर से कोई चैलेंज प्रस्तुत होता है उसे इंटरनल सिक्योरिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इन दोनों की सिक्योरिटी करे, आंतरिक रूप से भी भारत को सुरक्षा प्रदान करे और बाह्य रूप से भी भारत को सुरक्षा प्रदान करे। तो बाह्य रूप से भारत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के पास एक रक्षा मंत्रालय या डिफेंस मिनिस्ट्री होता है। डिफेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है भारत को रक्षा प्रदान करना, भारत की सिक्योरिटी करना, भारत को बाहर से उत्पन्न होने वाले खतरों से बचाए रखना। इस उद्देश्य के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के पास तीन फोर्स होते हैं, तीन बल होते हैं। पहला एयर फोर्स, वायुसेना, नेवल फोर्सेस, नौसेना, और आर्मी, थल सेना। मतलब एक, ये तीनों की तीनों सेना है। एक एयर फोर्स हवा से उत्पन्न होने वाले, मतलब एयर में कोई खतरा पैदा होता है या हवाई अटैक होते हैं तो उनसे भारत को बचाती है। दूसरा नेवल फोर्सेस, समुद्री मार्ग से यदि कोई खतरा पैदा होता है तो उससे भारत की रक्षा करती है। तीसरा आर्मी, जमीन से, मतलब जमीन से कोई अटैक होता है तो भारत की रक्षा करती है। नेक्स्ट, साथ ही इन तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से काम बाहर, एक्सटर्नल रूप से चुनौती जो प्रस्तुत होती है उनसे भारत को सिक्योर करना होता है। अतः डिफेंस मिनिस्ट्री के नेतृत्व में ये तीनों सेनाएं बाहर से भारत की सुरक्षा देती हैं। नेक्स्ट, इंटरनल सिक्योरिटी की जहां तक बात आती है तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए केंद्र के साथ साथ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी जिम्मेदार होती है।
मतलब आंतरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है उतनी ही स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो मैं दोनों को समझाता हूँ, पहले सेंट्रल फिर स्टेट। आंतरिक रूप से भारत को जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इस उद्देश्य के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक होम मिनिस्ट्री होती है, एक गृह मंत्रालय होता है, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। और होम मिनिस्ट्री जो आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, इसी को देखते हुए भारत में दो प्रकार के फोर्स होते हैं, दो प्रकार के बल होते हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया में करते हैं। दो प्रकार के बल है, पहला सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, दूसरा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल। आपके ध्यान देने योग्य है कि 2011 से पहले 2011 से पहले केवल और केवल सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होता था, और 2011 के बाद इसको दो भागों में बांट दिया गया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये बता देता हूं आपको कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। जब ये टॉपिक एंड में चल रहा होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं अभी दोनों के बारे में अगर बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जैसे जैसे मैं आगे फोर्सेस बताऊंगा वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इनको सीपीएमएफ क्यों कहते हैं, इनको सीएपीएफ क्यों कहते हैं। अच्छा, वर्तमान समय में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है उसमें कुल मिलाकर 8 पुलिस बल है, 8 पुलिस बल है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। पहला सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, ये ध्यान रखिएगा सीआरपीएफ, ये इंडिया में नक्सलवादी हमलों से भारत का बचाव करती है, और जो टाइम टू टाइम इलेक्शन होते हैं जिसे लोकसभा विधानसभा में, उनमें सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये भारत की जो इंडस्ट्रियल यूनिट होती हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे भेल, गेल, सेल, रिफाइनरी एटसेट्रा। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये आतंकवादी हमलों से भारत का बचाव करती है। नेक्स्ट एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये वीवीआईपी जो होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एटसेट्रा, इनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है वहां पर, और भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर सुरक्षा करती है। मतलब भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश से मिलने वाली बाउंड्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ये नेपाल से मिलने वाली इंडिया की बाउंड्री और भूटान से मिलने वाली इंडिया की बाउंड्री की सिक्योरिटी करती है। नेक्स्ट आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा बल, ये चाइना से मिलने वाली बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है, चाइना से जो इंडिया का बॉर्डर मिलता है उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा मतलब लास्ट है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ध्यान रखिएगा इसी का नाम बदलकर अभी हाल ही में, इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स सर्विसेज कर दिया गया है, नाम मतलब इसका बदल दिया गया। डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा, अभी सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, सारे चैप्टर में पूरा क्लियर करूंगा आपको, ठीक है। अतः ये 8 सेवाएं आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्र स्तर पर जिम्मेदार है, जबकि सीपीएमएफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में केवल 2 फोर्स आती हैं। पहले का नाम असम राइफल है, ये असम राइफल भारत का म्यांमार से मिलने वाली बाउंड्री की सिक्योरिटी करती है, साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, इनमें कानून व्यवस्था बनाए रखती है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। और नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल, इसको समझने के इंडियन कोस्ट गार्ड सॉरी आईसीजी, ये क्या करती है, जो इंडिया का जो ये बाउंड्री है इसकी जो तटीय सीमा है, इनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जो कोस्ट है ना इंडिया का उस कोस्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आईसीजी। उम्मीद करता हूं ये वाली फोर्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या है उसको समझने के लिए आगे चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, इसमें से कुछ चीजें जो है वो मिटा देता हूं ताकि आपको साफ साफ समझ में आ जाए।
स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में जो क्या कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी होती है उसको मैनेज करने के लिए पुलिस होती है, पुलिस होती है। और ये पुलिस जो होती है राज्यों में, ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहले को जनरल पुलिस सिस्टम कहते हैं जीपीएस, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में छोड़कर सारे जिलों में, बिहार के सारे जिलों में, झारखंड के सारे जिलों में, उत्तराखंड के सारे जिलों में, राजस्थान के जयपुर और जोधपुर को छोड़कर सारे जिलों में और अन्य राज्यों के कुछ जिलों में है। जबकि एक होता है कमिश्नरिएट पुलिस सिस्टम। ये कमिश्नरिएट पुलिस सिस्टम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नागपुर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले बनाए गए, ठीक है, इनमें तथा अन्य में कमिश्नरी पुलिस सिस्टम है। अब ये है क्या, मैं इन दोनों को गहराई से बात करूंगा। ये मैंने एक इंट्रो दिया है सिक्योरिटी के फोर्सेस का इंडिया में। अब आप कहेंगे कि मैंने दो चैप्टर बताई, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडिया, तो समझ गए। जो अब मैं दो चीजें अलग अलग करूंगा, ये जो चैप्टर है इतना, ये चैप्टर जो है लॉ एंड ऑर्डर नाम से पढ़ना है। इसके अलावा जो बाकी रह गया, मतलब ये वाला पूरा और ये वाला पूरा का पूरा, ये जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडिया के नाम से पढ़ना है। मतलब अब दो चैप्टर हो गए, पहला लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, जो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जीपीएस जनरल पुलिस सिस्टम और कमिश्नरिएट पुलिस सिस्टम पढ़ना है, और दूसरा सिक्योरिटी फोर्सेज इन इंडिया, उसमें ये भारत के एक्सटर्नल फोर्सेज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पढ़ना है, और भारत के इंटरनल के सेंट्रल वाले फोर्सेज जिसमें सीएपीएफ 8 हों और सीपीएमएफ दोनों के दोनों पढ़ने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों चैप्टर अलग अलग समझ में आ गए होंगे। अब इंट्रो था ये, अब मैं एक एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा। पहले चलूंगा लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इसके खत्म होने के बाद चलूंगा दूसरा वाला। तो अब चलते हैं लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इसमें अपन को अब दो चीजें पढ़नी है, दो चीजें, पहले कौन कौन सी, पहले जनरल पुलिस सिस्टम और दूसरा कमिश्नरी पुलिस सिस्टम, ये दोनों पढ़नी है। लेकिन आपको पहले कुछ बता देता हूं, देखिए कभी भी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं मानता हूं आप लोग सभी समझदार हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है मुझसे कुछ 1% भी सीख लें। देखिए पढ़ने का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये कि पढ़ने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। पढ़ने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि आप किसी टीचर से पढ़ें, दूसरा रास्ता ये है कि आप किसी ऐसे बंदे से पढ़ें जो टीचर कम हो और दोस्त ज्यादा हो। दोनों में फायदा और नुकसान भी है। टीचर से पढ़ेंगे तो मर्यादा होगी, निश्चित रूप से होगी, आप रेस्पेक्ट भी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन बंदा सिर्फ आपको पढ़ाएगा, बंदा आपको एनकरेज नहीं करेगा, मोटिवेट नहीं करेगा। लेकिन किसी ऐसे बंदे से पढ़े जो टीचर भी हो और दोस्त भी हो, उससे फायदा क्या होगा आपको कि वो आपको सिखाएगा। मैं टीचर बनने की कभी कोशिश नहीं की और मैं ना ही कभी टीचर बन पाऊंगा जिंदगी में, क्योंकि मैं टीचर जैसा हो ही नहीं। मैंने कम से कम, सामान्यतः मैं मानता हूं मेरे पिछले बहुत साल पढ़ाने के कैरियर में 10 साल हो गए थे मुझे, लेकिन 10 सालों में मैंने आज तक एक भी स्टूडेंट नहीं बनाया। आज तक मेरे एक भी स्टूडेंट नहीं है पूरी दुनिया में, सारे के सारे मैंने दोस्त बना लिए। क्यों? क्योंकि मैं दोस्त बना के पढ़ा सकता हूं, स्टूडेंट बना के पढ़ा ही नहीं सकता कभी यार। इसलिए आप लोगों से भी कहता हूं, आप फ्रेंड बन के कोई चीज आपको नहीं समझ आती है, मुझसे पूछा करो, दिल से पूछा करो कि सर ये समझ में नहीं आया, बात करो, कोई दिक्कत हो रही है। क्योंकि मान लो आपको समझ में नहीं आया, आप आगे बढ़ रहे हो, क्या मतलब बनता है यार। अभी तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, तो ना मैं क्लास में पढ़ा सकता हूँ ना आप क्लास में पढ़ सकते हो, दोनों की प्रॉब्लम है, है ना। तो अब आप घर बैठ के किताबों से पढ़ भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि किताबें में आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना गवर्नेंस, आप गवर्नेंस इंडिया की किसी भी बुक में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? और मैं यहाँ तक मैं जानता हूँ इसकी कोई वीडियो भी नहीं है मार्केट में,
अगर आप YouTube पर सर्च मारेंगे तो गवर्नेंस का कोई भी मतलब एक अच्छी सी वीडियो भी नहीं होगी, किसी ने बनाई नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वीडियो बनाना ही बहुत मुश्किल है। क्यों बनाना मुश्किल है? क्योंकि ये चैप्टर बिखरे बिखरे पड़े हैं, उन सबको समेट के एक जगह प्रस्तुत करना बहुत टेढ़ा काम है। तो आप लोग दो चीजें रखना, पहला तो हिचकिचाहट नहीं, और दूसरा कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी आराम से पूछना मुझसे, मैं आराम से बताऊंगा आपको। ठीक है, बाकी स्टार्ट करता हूँ। दो बूंद पी लो। जनरल पुलिस सिस्टम में क्या होता है, जनरल पुलिस सिस्टम में क्या होता है, राज्य में स्टेट में एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है, और इस पुलिस डिपार्टमेंट का इंचार्ज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा होता है, इसीलिए ये बंदा पूरे स्टेट को मैनेज नहीं कर पाता, इसलिए इसकी सहायता के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। और फिर स्टेट को बहुत सारे जोन में बांटा जाता है, और हर जोन का इंचार्ज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, और फिर जोन को बहुत सारे रेंज में बांटा जाता है, और हर रेंज का इंचार्ज डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, और फिर रेंज को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है, और हर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज दो हो सकते हैं, बता रहा हूं, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकता है और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट छोटा होगा, नॉर्मल होगा, जैसे संत कबीर नगर, बलरामपुर, ठीक है, कोसाम्बी, उन्नाव इत्यादि, तो एसपी होगा। लेकिन अगर जिला बड़ा होगा, जैसे गोरखपुर, कानपुर, ठीक है, आगरा, गाजियाबाद, तो एसएसपी होगा। इसमें होगा क्या, अगर जिला बड़ा होगा तो छोटे छोटे कुछ एसपी होंगे, जैसे एसपी सिटी, एसपी ईस्ट, एसपी रूरल एरिया, एसपी आरए, एसपी वेस्ट, और इन सब के ऊपर, मतलब एसपी ईस्ट, एसपी वेस्ट, एसपी साउथ, एसपी सेंट्रल, एसपी लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, इन सब के ऊपर एक बंदा होगा जिसे एसएसपी कहेंगे। ये बड़े शहरों में होगा, लेकिन छोटा शहर होता है तो अकेला एसपी ही मैनेज कर लेता है। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंडर में बहुत सारे सर्किल होते हैं, सर्किल, और सर्किल का इंचार्ज सर्किल ऑफिसर होता है, इसी को डिप्टी एसपी कहते हैं, डीएसपी कहते हैं, डीवाईएसपी भी कहते हैं कुछ राज्यों में, है ना। और यहां पर चूंकि ये एसएसपी या एसपी होते हैं, तो इनकी सहायता के लिए अकेला एसपी तो चला नहीं पाएगा, तो इनकी सहायता के लिए एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हर सर्किल के अंडर में बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं, थाने होते हैं, और हर थाने का इंचार्ज या तो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है या स्टेशन ऑफिसर होता है। स्टेशन ऑफिसर तब बोलते हैं जब उसका इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा होगा, स्टेशन हाउस ऑफिसर तब बोलते हैं जब उसका इंचार्ज एक इंस्पेक्टर रैंक का बंदा होगा। और इनकी सहायता के लिए, ज्यादा कम है इनकी, नहीं देता हूं, इनकी सहायता के लिए हेड कॉन्स्टेबल, और इनकी सहायता के लिए कॉन्स्टेबल होते हैं। ये संपूर्ण पुलिस हायरार्की होती है इसमें, जनरल पुलिस सिस्टम में। ठीक है, अब बात आती है कमिश्नरी पुलिस सिस्टम में, कमिश्नरेट पुलिस सिस्टम में। इसमें क्या होगा, इसमें जो पूरी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे हम नोएडा का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, या दिल्ली का ले लेता हूं, है ना, इसका हेड कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा, पुलिस कमिश्नर होगा। इसकी सहायता के लिए ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे, और इनकी सहायता के लिए स्पेशल सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे, और पूरे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट को बहुत सारे सर्किल में बांटा जाता है। हर सर्किल का इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, और हर सर्किल को बहुत सारे पुलिस स्टेशन में बांटा जाता है। हर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, और ये इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति होगा, और इसके अंडर में एडिशनल इंस्पेक्टर, और इनके अंडर में सब इंस्पेक्टर, फिर हेड कॉन्स्टेबल, और फिर कॉन्स्टेबल होते हैं। ये इनकी हायरार्की है, और ये इनकी हायरार्की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं इसको आपको सीपीएस को समझने के लिए। जैसे दिल्ली में मान लेते हैं वैसे 11 जिले हैं, है ना, 11 जिले हैं, तो पूरे दिल्ली का एक कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनकी सहायता के लिए जॉइंट सीपी और स्पेशल सीपी हैं, और हर 11 जिले का मतलब 11 जिले तो 11 डीसीपी हो गए,
और हर जिले में सर्किल होंगे तो सर्किल के एसीपी होंगे, ऐसे हायरार्की इसकी है। अब ये जीपीएस ये सीपीएस इन दोनों में इतना अंतर है, आज के लिए आप इतना आत्मसात कर लें। अब आपको मैं ये अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसको जीपीएस क्यों कहते हैं और इसको सीपीएस क्यों कहते हैं। दूसरा ये वीडियो में अगले में ये भी बताऊंगा कि जीपीएस और सीपीएस में डिफरेंस क्या होता है। फिर ये भी बताएंगे कि अभी हाल ही में नोएडा और लखनऊ में सीपीएस क्यों बनाना पड़ा। तीसरा फिर ये भी बताएंगे कि इसमें डीएम का रोल क्या है और इसमें डीएम का रोल क्या नहीं है। चूंकि YouTube पर लंबी वीडियो को अपलोड करने में मुझे कुछ टेक्निकल समस्याएं आती हैं, इसलिए मैं वीडियो 20-25 मिनट तक ही रख रहा हूं। नेक्स्ट इस चैप्टर को, ये भी लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, आज कंप्लीट नहीं हो पाया है, आज मैंने पूरा समझा दिया है। अब इसको गहराई में डीएम का एसपी के साथ लिंक कैसा है, डीएम का कमिश्नर के साथ लिंक कैसा है, दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं, जैसे अभी नोएडा में 144 सेक्शन लगा है तो दोनों कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, इसे गहराई में मैं कल समझाऊंगा। ठीक है, तो आज तक के लिए यही रखता हूं। साथ ही आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज आप इसे शेयर किया कीजिएगा, नहीं अच्छी लगती हो तो आप डिसलाइक कर दें, अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा काम मत करना जैसा कि कल मेरी मित्र से बात हो रही थी, मतलब एक आप ही जैसा कोई भाई है उससे बात हो रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि सर मेरे को आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है व्हाट्सएप पर, भाई आप सुन रहे हो तो बुरा मत मानना, बहुत सब पर बहुत पसंद आती है। मैंने कहा तो लाइक करते हो, उसने कहा मैं हाँ सर अंगूठा दबा देता हूँ। मैंने कहा कौन सा वाला दबाते हो, तो वो बोलता है कि सर मैं दोनों में से कभी कोई दबा देता हूँ कभी कोई दबा देता हूँ। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट ऐसा मत करना यार, वैल्यू का सवाल है, बहुत मुश्किलों से बना रहा हूँ, आज भी बुखार आ रहा है लेकिन फिर भी बना रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगती हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। दूसरा अच्छी लगी हो दूसरों को शेयर भी कीजिएगा और कहिएगा उनसे कि सब्सक्राइब करें, क्यों मेरे आप मुझे आपसे इसमें कोई पैसे नहीं मिल रहे, पर मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान ना हो, अतः मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग मुझे जब पॉजिटिव सपोर्ट देते हैं तो मेरे अंदर इससे मोटिवेशन आता है, तो अतः मैं आपका मनोबल बढ़ाने को तैयार हूं, आपकी एनर्जी गिरने नहीं दूंगा, ये वादा है। लेकिन आप भी मुझे अच्छा करने के लिए अंदर से सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ दूसरों को बताइएगा, सिर्फ मेरे लिए इतना ही है। बाकी इस गवर्नेंस के लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट 1 बता दिया है, पार्ट 2 कल बताऊंगा, तब तक के लिए